व्हाइट होल्स आर फाइनली डिस्कवर्ड। अब आखिरकार व्हाइट होल मिल चुका है। व्हाइट होल असल में क्या है? ऊपर से ब्लैक होल की कई सारी मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं, और ये व्हाइट होल कहाँ से टपक पड़ा? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाइट होल्स क्या हैं, इन्हें कैसे खोजा गया। सो विदाउट एनी लेट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि व्हाइट होल्स हैं क्या। व्हाइट होल्स एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो चीजों को अपने अंदर से बाहर फेंकते हैं। सिंपली व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स के एकदम अपोजिट होते हैं। ब्लैक होल जैसे अपनी ग्रेविटी से चीजों को अपने अंदर समा लेते हैं, वैसे ही व्हाइट होल्स अपने अंदर से चीजों को बाहर फेंकते हैं। और जितना जरूरी ब्लैक होल का होना है तो उतना ही जरूरी व्हाइट होल का भी। और ये बात कही थी सर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में। इन थ्योरी के हिसाब से एवरीथिंग एग्जिस्ट विथ इट इक्वल एंड अपोजिट, मतलब यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट का एक इक्वल एंड अपोजिट प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे मेल का फीमेल, लाइट का डार्क एंड भगवान का शैतान। तो एक बार इस क्लिप पे नजर डालो, ये है ब्लैक होल। ये अपनी पावरफुल ग्रेविटी से चीजों को अपने अंदर खींच लेता है, बट अगर हम इसे रिवर्स कर दे तो ये बन जाएगा व्हाइट होल। तो व्हाइट होल एग्जैक्टली ऐसे वर्क करता है। अब रही बात की व्हाइट होल्स को कैसे खोजा गया। व्हाइट होल्स को अभी तक कैमरे में कैप्चर नहीं किया गया है, और व्हाइट होल्स है कि नहीं ये भी अभी तक एक बड़ी मिस्ट्री है। व्हाइट होल्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सोचा गया था एक रशियन कॉस्मोलॉजिस्ट आइगोर नोविकोव के द्वारा ईयर 1964 में। नोविकोव ने एक दिन ऐसी थ्योरी रखी जिसने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। इस थ्योरी में नोविकोव ने कहा कि ब्लैक होल्स व्हाइट होल्स नामक एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से लिंक रखते हैं, लेकिन ये व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स की तरह अपने अंदर चीजों को खींचते नहीं है। ये होल्स लाइट एंड मैटर को अपने से बाहर जाने देंगे, लेकिन लाइट एंड मैटर को प्रवेश यानी कि अंदर जाने नहीं देंगे। व्हाइट होल के ऊपर मैं जल्दी एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।